यह चलचित्र एक काल्पनिक कार्य है। हमारा उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, समुदाय, संप्रदाय या धर्म का अपमान करना नहीं है। यह चलचित्र और इसके सभी पात्र काल्पनिक हैं और इनकी किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से समानता केवल आकस्मिक है। दिल की बात समझ रहा हूँ सर, पैसा और प्रमोशन दोनों आए। अरे तू ही तो मेरा शेर है। मजाक कर रहा था। ला पान खिला मेरे को। बनवारी का पान है सर। अरे मेरा प्रमोशन तो तेरा भी प्रमोशन है। सर आप टेडी बियर लगते हो। क्या बोला? नहीं सर आप चुनूल पांडे लगते हो। हे भगवान, अपनी कृपा दृष्टि हम पे बनाए रखिएगा। उका है ना, हमरे पति तो हमसे बहुत प्रेम करते हैं, पर ये जो पपुआ है ना, ये पर हमको भरोसा नहीं है। और ये पपुआ की ठरकी छाया ना, उन पर पढ़ने मत दीजिएगा भगवान। हाँ, पर आपसे एक ही विनती है भगवान,
कि पप्पू को ना हमारे पति से दूर ही रखेगा। बाकी तो आपकी कृपा से सब ठीक है। जय माता रानी। अरे हमारे बारे में मांग रही थी ना। अरे आप ही के बारे में मांगेंगे ना, और हमारा है ही कौन। अरे हटिए ना, हम पूजा कर रहे हैं, पाप चढ़ाएंगे का। अरे भगवान के सामने ब्याह कर लाए हैं तुम्हें, लीगल टेंडर है हमारे पास, समझे। अरे अरे हटिए ना, सुबह सुबह चालू हो गया आपका। अच्छा एक बात बताइए, आज का है का है, कितने भुलक्कड़ हैं आप, कुछ मालूम ही नहीं रहता। आज आपका जन्मदिन है। आज हमारा जन्मदिन है। हाँ तुम्हें याद था। अब हम याद नहीं रखेंगे तो का कोनो दूसरा याद रखेगा। गलती हो गया का? तुम नहीं होती तो हमारा क्या होता शीतल। आप कितने भोले हैं, किस्मत तो हमारा अच्छा है जो हमें आप जैसा पति मिला है, ऐसा कछु नहीं है, ऐसा मत सोचिए। हे भगवान, ये हमसे ऐसे ही प्यार करते रहे, हमारे बीच में ना कभी भी कोई ना आए। अच्छा एक काम कीजिए, लड्डू खाइए। पहले हमको तो दीजिए। ए, तूने कुछ कहा क्या? मैंने कुछ नहीं कहा, तू खा खा ठूस। शीतल मुझे कमीना सुनाई पड़ा। तू अपना ना मुंह चला, कान मत चला, ठुसाओ इसको यार। हाँ इलो इलो एक और ठुसो। अच्छा शीतल मैं जा रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है, तुम ध्यान रखो ठीक है। ठीक है। अच्छा सुनिए, हाँ एक काम करेगा, शाम को जल्दी आएगा ना, वो नीरवा का मूवी लगा, वो देख के आएंगे। अच्छा अच्छा हाँ ठीक है। हाँ एक्स्ट्रा मेरे लिए भी। इलो इस सारा ठूस लो, भुक्कड़ कहेंगे। अच्छा लगता है मुझको। अरे वाह लड्डू बहुत टेस्टी भाई, कसम से थोड़ा फीका। जानू जानू, गुड मॉर्निंग, कॉफी फॉर माय बेबी। लेट हो रही बाबू। जानू कितने प्यार से बनाया, देखो पसीना हो गया पूरे। अच्छा, कपड़े चलो ठीक है। बस चलो। अच्छा रुको रुको रुको, जानू ये लो तुम्हारे पास। थैंक यू। चलो सिया। जानू जा रही हो? हाँ। आई हैव समथिंग फॉर यू। क्या? चल ना। आओ मेरे लिए। या दिस इज फॉर यू, आज तुम्हारा बर्थडे है ना, और हमारी शादी की सालगिरह भी। तुम्हें याद था? यस ऑफ कोर्स। क्या हुआ शोना, क्या हुआ? तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता रिया। चलो आज घर जल्दी आना ठीक है। लव यू। लव यू टू। टेक केयर।
अजय वो लड़की कौन थी और उसके साथ तू क्या कर रहा था? You talking to me? हैं? क्या? ए तूने इंग्लिश कहाँ सीखी बे? हैं? ए अब जल्दी से इसे पकड़, अरे पकड़। हेलो? हाँ बस बस आ रहा हूँ बस। हाँ बेबी, हाँ बेबी बस आ रहा हूँ ठीक है? हाँ हाँ कुछ नहीं ठीक है आ गया ओके बाय। अबे हट। कुछ नहीं करेगा पहले एक मिनट अब मारो 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 ये कमरे अजय नहीं हो सकता अजय होता तो मुझको पटवाता नहीं अरे बाबा अरे बाप रे हाँ जी कौन आया व्हाट अ ब्यूटी छेड़ी किस पर ड्यूटी ये कौन मेरा बेटा बेटा ये लीजिए हाँ जी मैडम ये आपका कुरियर थैंक यू वो मैडम नंबर मिल सकता है आपका हाँ हाँ क्यों नहीं मिलेगा किरण जी का पार्सल आया था मैं ही किरण हूँ आइला यही किरण है अच्छा ठीक है आओ ना अंदर कॉफी पीते हैं कॉफी विद किरण आओ ना अंदर अरे आओ ना अरे नहीं 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 अरे आओ ना अरे नहीं 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 आओ ना नॉनवेज खा अरे मैं नॉनवेज नहीं खाता मेरे भाई कभी कभी नॉनवेज भी खा लो अरे मुझको पसंद ही नहीं है बिल्कुल अरे एक मिनट ये दूध है ये कॉफी ये चीनी अरे अभी तो मैं रोड के किनारे खड़ी होकर अपनी जान से बातें कर रहा हूँ आप भी ना बड़े शरारती हैं वो तो हम बचपन से हैं अच्छा ये बताइए घर कब आ रहे हैं कहो तो अब भी आ जाऊँ जानू अरे नहीं नहीं अपना काम करिए काम समझे ओके जानू रखते हैं अच्छा जानू हाँ। एक बात कहे आई लव यू मिस यू अल्ले आई लव यू मिस यू टू अबे अबे हाय बेबी हाय जानू कहाँ हो मैं अभी तुम्हें साइड में खड़े होकर अपनी जान से बातें कर रहा हूँ आप भी ना बहुत नॉटी हो वो तो मैं बचपन से हूँ सुबह घर जल्दी आना ठीक है अरे कहो तो अभी आ जाओ बेबी काम करो ओके शोना आई मिस यू अरे आई लव यू आई मिस यू माय जानू मा मेरी बीबिया मुझे कितना प्यार करती है जली को आग बुझी को राख कहती है
जो दिहाड़ी मजदूरी छीन ले उसे भूपी बदमाश कहते हैं। ये रा 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 ये रा 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 ये रा 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 ओए ये 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 रा 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 ये रा 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 ये मेरे को चिढ़ा रहा है रे। अरे पूछ रहे थे काहे मार रहे थे उसको। ये मेरे को चिढ़ा रहा है रे 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 सर आपका पैसा और प्रमोशन आपके सामने सर। कुत्ते ने तेरे खून पी जाएगा। सर गया आपका पैसा और प्रमोशन दोनों हो गया सर। नाम क्या है तुम्हारा? नाम? नाम कुछ है हमारा आगे है। कल रात को वहाँ क्या कर रहे थे? हम क्या करेंगे, हम तो एक डिलीवरी बॉय हैं, काम कर रहे थे अपना वहाँ पे। तुम जानते हो कि तुमने किसे पकड़वाया? चांदना कैरेक्टर हमने देखा कि एक आदमी को मार रहा है, हम भी पकड़ के हौंक दिए। हौंक दिए मतलब? मतलब मार दिए सर, पीट दिए। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी इस बकवास पर विश्वास कर लूं? ये भुप्पी बदमाश जो तिहाड़ जेल की सुरक्षा तोड़कर भाग निकला, जिसका पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन से कॉन्टेक्ट है, जिसके ऊपर दो दो मर्डर के केस है, तुम जैसे मामूली आदमी ने उसे पकड़ लिया है? अबे चुप। तुम्हें पता है इसे मैंने पकड़ा होता, मैंने, लेकिन तुमने मेरा सारा सपना चकनाचूर कर दिया, सब गड़बड़ कर दिया तुमने। मुझे पता था कि वो कहाँ छुपा हुआ है, लेकिन तुमने सबका सब गड़बड़ कर दिया, समझे? और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करूं? क्यों? सर विश्वास तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि सच्चाई तो यही है। अच्छा सर मैं चलता हूँ। अच्छा वो इनाम कहाँ मिलेगा? मैं चलता हूँ सर। हेलो जानू, आप ठीक है ना? वो कहाँ है ना, हमें तो पता ही नहीं चला कि कल रात आप घर नहीं आए। पर हमें तो तब पता चला जब सवेरे हमारी आँख खुली। हाँ जानू, पता है हम कितना डर गए थे। हाँ अरे अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं ठीक नहीं होता वो लोग मुझे यहाँ आने देते? नहीं ना, तो बस। हाँ तुम टेंशन मत लो, और सुनो मुझे थोड़ा काम से ऑफिस जाना है, उन्हें बताना पड़ेगा ना बाइक के बारे में। हाँ तो मैं सीधा आ रहा हूँ, ठीक है? हाँ तुम टेंशन मत लो, रो मत, ठीक है? अच्छा ठीक है ठीक है, पर अपना ख्याल रखिएगा और टाइम से घर आ जाइएगा। हाँ हाँ मैं जल्दी आता हूँ, चलो।
is busy. Please call again later. Thank you. आपके द्वारा डायल किया गया नंबर व्यस्त है. अजय तुमने वो नंबर तो बताया ही नहीं और न घर का एड्रेस बताया. वो तुम्हारा इनाम मैं कैसे इन्फॉर्म करूंगा. वो सर क्या है नंबर मेरा खो गया था और एड्रेस जो है मेरा वो. अरे मैं छोड़ देता हूँ बैठो तो. आप छोड़ दीजिए सर. नहीं 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 मैं खुद चला जाऊंगा ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है. अरे इस बहाने एक कप चाय भी पी लेंगे और तुम्हारा घर भी देख लेंगे. दिक्कत कहाँ आ रही है सर. घर में चाय पत्ती तो है ही नहीं है. चाय पत्ती हम खरीद लेंगे. सर दूध भी नहीं है. दूध भी ले लेंगे. और सर घर में तो और हाँ चीनी भी ले लेंगे. चलिए तो सही. हाँ माँ वो सीधा घर ही आ रहे हैं. हाँ बताए कोई पुलिस वाला आ रहा है छोड़ने के लिए. हमें नहीं पता माँ हम देखे नहीं है ना. पर आवाज से लग रहा था ज्यादा चोट नहीं है. हाँ अरे तुम टेंशन मत लो ज्यादा ठीक है. हाय अम्मा तुम्हारे चक्कर में तो हमारा सारा दूध उबल गया. हम जा रहे हैं बाद में बतियाएंगे ठीक है. हाँ ओए क्या कर रहे हैं. ओए ये क्या कर रहे हो. ओ सर नीचे गिर गई थी मैं तो उठा के दे रहा था. चलो सही एड्रेस पे तो लाए हो ना. क्या सर आप मुझ पे शक कर रहे हैं. शक नहीं कर रहा हूं मैं कंफर्म कर रहा हूं. चल आइए सर आइए आइए. अंधा पागल दिखता नहीं क्या. क्या देखे चला करो ना. अंदर कर दूंगा अभी. अरे अरे अजय तू ठीक तो है ना. तुझे तो चोट लग गई थी. सही है चल. अरे जानू आप आ गए. इंस्पेक्टर साहब मैं आपको कह रही हूँ ना वो ऐसे इंसान है. उन्होंने एक बार कह दिया कि मैं इतने बजे आऊंगा तो वो इतने ही बजे आते हैं. लेकिन आज टाइम ओवर हो चुका है. टेंशन टेंशन वाली ही तो बात है जी. जी वो एक डिलीवरी कंपनी में है. अरे मैं भी तो यही कह रही हूँ. उनका कहीं एक्सीडेंट ना हो गया हो किसी ने उन्हें लूट ना लिया हो. तो क्या ये पुलिस की ड्यूटी नहीं है कि वो हेल्प करे. भूपी बदमाश जानू आप सच में भूपी बदमाश की पिटाई की है. पिटाई की. हाँ? अरे पकड़ के होंक दिए थे. हाँ? जलजला मचा दिए थे हम. सर बताइए ना इनको. हाँ होंक दिए थे होंक दिए थे. फिर तूने उसे पकड़ लिया. हाँ? पकड़ लिया मार घसीट के लटपटाई दिए थे. सर बताइए ना इनको. हाँ हाँ लटपटा दिए थे. अरे हमरे पति तो कितने बहादुर है. अरे ओ पप्पू कुछ सीखो इनसे. मैं कितना खुश हुआ था जब मुझे पता चला कि भूपी बदमाश जल से भाग गया है. क्या उसे मैं पकड़ना चाहता था और तूने मेरा सपना खराब कर दिया. वैसे तुम करते क्या हो. कौन मैं इसके बचपन का दोस्त हूँ. इसके साथ रहता हूँ और हम दोनों साथ साथ स्कूल में पढ़ते थे. मतलब कुछ काम वाम नहीं करते बेरोजगार हो. बेरोजगार मतलब मैंने भूपी बदमाश को पकड़ने के लिए अपनी नौकरी छोड़ी थी. वैसे अजय तुमने बहुत अच्छा काम किया है. बाय लकी सही तुमने उसे पकड़ा तो है. मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें तुम्हारा इनाम मिल जाए. इनाम वैसे अजय मैंने सुना है कि भूपी बदमाश को पकड़ने के लिए बहुत सारे पुलिस वाले भी ट्राई कर रहे थे. जो काम सारे पुलिस वाले मिलके नहीं कर सके वो काम तुमने अकेले कर दिया. मेरे बात तुमने सब किया जो तो सब करके चलता मेरा भाई. सही से बताओ ना. अच्छा तू बैठ मैं बाहर हो क्या था. ओके सर. अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था. ये लीजिए. का है ये मेरा नंबर है. शायद तुम्हें इसकी जरूरत पड़ सकती है. वो का है
क्योंकि तुम्हारे पति देव ने भूपी बदमाश को जो पकड़वाया है उसके लिए कुछ लोग गड़बड़ कर सकते हैं। गड़बड़? हाँ शायद हो भी सकता है। ठीक है मैं चलता हूँ। जानू इनाम की बात करके आए। बहुत बेकार है यार। सर अब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखे ना कितना बुरा हो गया वो भी इनके जन्मदिन के दिन। हम तो घबरा ही गए थे। अब क्या है ना सर इनको ज्यादा चोट भी नहीं है और आपको बोले तो कुछ इनाम। बर्थडे? आपके पति का आज बर्थडे? जी हाँ कल इनका जन्मदिन था। बहुत सही दिन बर्थडे है इनका। और हाँ कुछ रिपोर्टर्स आने वाले हैं तैयार करके रखना अपने पति देव को। रिपोर्टर वो कहाँ आएंगे? तुम्हारे पति हीरो जो बन गए हैं। वो तो हमरे हीरो हैं ही। अच्छा सर वो इनाम कितना मिलेगा? लालची औरत। लिसन मुझे नहीं लगता आप उसे ढंग से ढूंढने की कोशिश भी कर रहे हैं। देखिए आप मुझसे ऐसे बात मत कीजिए। हेलो हेलो मैंने कहा तमीज से बात कीजिए। अरे जनता की मदद के लिए होती हो पुलिस? शायद आप जानते नहीं मेरी पहुंच कहां तक है। अगर आपने जल्दी कुछ नहीं किया तो आप खुद। अरे नहीं बाबा कुछ नहीं हुआ है। मैं कहाँ हूँ? जानू मैं ना अभी रामनगर में हूँ। हाँ अरे जानू पता है कल क्या हुआ था? वो कल मैं डिलीवरी देने गया था ना तो वहाँ पर मेरी बाइक खराब हो गई थी। हाँ अरे वो बाहर का एरिया है ना तो पूरी रात मुझे बाइक के पास सोना पड़ गया। मेरा फोन? जानू मेरा मतलब मेरा फोन तो खो गया जानू। हाँ अरे जानू मैंने कस्टमर को ना फोन करने के लिए दिया था मुझे लग रहा है उसी ने मेरा फोन चुराया होगा। हाँ अरे जानू वो तो अच्छा हुआ कि एक भला आदमी वहां से गुजर रहा था। अरे उसकी नजर मुझ पर पड़ गई वरना पूरी रात मुझे वहीं पे गुजारनी पड़ती। अरे क्या ग्रेट आदमी है जानू वो। अरे गाय का फार्म है उनका। हाँ यहीं पे बैठे हैं बात कराऊं? एक मिनट सर मेरी वाइफ ना आपको थैंक यू बोल रही है। जानू वो भी तुमको थैंक यू बोल रहे हैं? हाँ हाँ जानू मैं जल्दी घर आऊंगा। क्या तुमने मेरे खोने की रिपोर्ट पुलिस में लिखा दी? क्यों? अरे ओ पप्पू क्या है? तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे कहाँ भर गए रे? हाँ जानू वो ना उस आदमी की वाइफ होगी। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो यहाँ पर? हाँ जी सर। हाँ सर मैं बस निकल के आ रहा हूँ सर जी। बाय। सुनाई नहीं देता का? अरे किसी काम से यहाँ पर आए थे हम और शीतल तुम्हारे पति के दोस्त हैं हम। थोड़ा हमको इज्जत दिया करो तुम। तो हम क्या करें दोस्तों? तो जा रहे हम। हाँ हाँ जाओ सारा चावल तुम्हें खिलाएंगे जला हुआ चावल सब दूस लेंगे हम। हाँ हाँ जाओ। पागल औरत। जानू किसी से बात कर रहे थे का? हाँ वो ऑफिस से फोन आया था ना तो बोल रहे थे बाइक के लिए। मैं बाइक के लिए कह रहे थे? एक तो उनका जान बचाए हो ऊपर से बाइक उनके लिए ज्यादा जरूरी है का? अब बैठिए हम खाना बना दिए खाना लगा के आते हैं समझे? ठीक है तेरा अफेयर चल रहा है। पागल है क्या कुछ भी बोलता है? शीतल मार्केट गई है बैठ। पर तेरा अफेयर तो चल रहा है ना? अरे यार कितना पकाता है ये? क्या नहीं जाने देगा? सब सुन लिया मैंने। क्या सुन लिया है? क्या था वो? मेरी बीबी आपको थैंक यू बोल रही है। कमीने शीतल को पता चलेगा तेरा कचुबर निकाल देगी समझा तू? ए चलना दुख क्या मारेगा तू मुझे? शीतल को सब बोल दूंगा समझा तू? चल चल हट। अरे इनसे पूछते मैडम जी अजय जी का घर किधर है? अजय जी का
का घर, आप लोग रिपोर्टर्स हैं का? जी, हाँ, जी, अरे हाँ, हाँ, की वाइफ है, चलिए लेके चलते हैं। चलिए। देख, कुछ भी हो मुझे इस नंबर पे कॉल करने, ठीक है? नहीं करूंगा मैं। तू ऐसा करेगा मेरे साथ? अरे तू कितना कमीना है, तू अपनी वाइफ को धोखा कैसे दे सकता है? क्या तू धोखा नहीं दे रहा है? कमीने दुनिया में ऐसे लोग भी जिनकी एक भी नहीं हो, तू दो लेके घूम रहा है। अरे भाई मैं बोल चुका हूँ ना, अब इस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे माफ कर दे यार। वैसे कितना टाइम हो गया? एक साल हो गया। एक साल? उस लड़की को पता है कि तू शादीशुदा है? नहीं, उसे नहीं पता। वो कल को जब बोलेगी मुझसे शादी करो तब तू क्या करेगा? अबे हमने शादी कर ली है। क्या? तू सच कह रहा है? अरे मतलब नॉर्मली कर ली है, पर कानूनी तौर से अभी बाकी है। भाई प्लीज मेरे पे एक एहसान कर दे। नहीं करूंगा। अरे यार भाई ऐसा क्यों कर रहा है, मान जाना। वैसे के सिंह ने कहा है कि जो भूपी बदमाश को पकड़ने का इनाम है ना वो 50 लाख है। 70-30 मुझे करना क्या होगा? 70 और 30, ठीक है? अब तो सब समझ गया ना? हाँ समझ गया ना, 70 मेरा 30 तेरा। अरे यार 70 मेरा है 30 तेरा है। अच्छा शीतल, ठीक है 50 तेरा 50 मेरा, बराबर? क्या बराबर, तेरे पास दो गर्लफ्रेंड, मेरे पास एक भी नहीं, उसका क्या? रिया को फोन करते हैं। हेलो हेलो, हाँ रिया, हाँ रिया मैं निकल रहा हूँ, ठीक है? और सुनो, वो जो तुमने रिपोर्ट लिखाई थी ना पुलिस में, तुम पुलिस को फोन करके बोल दो कि मैं मिल गया हूँ, ठीक है? हाँ मैं पहुंचता हूँ। आई लव यू टू। पागल है क्या, अपना फोन अपने आप रखा करना। भाई सवाल लेना। जानू देखिए इंटरव्यू के लिए आए हैं, इंटरव्यू दे दीजिए। इंटरव्यू? हाँ इंटरव्यू। अरे यार मेरा तो ऑफिस है, मुझे तो निकलना है। मैं निकलना। अरे लेकिन इंटरव्यू तो दे दीजिए। अरे अजय जी सुनिए, अजय जी, अजय जी रुको जाइए। हेलो, हाँ गाय फार्म से मैं पप्पू दूधिया बोल रहा हूँ। हाँ आपके पति बस अभी निकल गए। ओके अजय जी। अरे आपने तमड़ा का नामा कैसे किया? अजय जी आप हमें इसके बारे में बताइए। अजय जी कुछ तो टाइम दीजिए जिससे हम आपसे क्वेश्चन पूछ सकें। आपको तो इतना बड़ा नाम मिलने वाला है ना, उसके बारे में कुछ बताइए। क्या बताऊँ, एक तो मेरे घर में जबरदस्ती घुसाते हो और मेरे सामने डंडे खड़े कर दिए। अरे बता दीजिए ना, बता दीजिए। अरे क्या बताऊँ, अरे मुझे कुछ नहीं पता। अरे अजय जी, अजय जी आपने बहुत बड़ा काम किया है, कृपया इसके बारे में कुछ बताइए ना। अरे मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। अरे बता दीजिए ना, कहीं नहीं बता रहे हैं। अरे मुझे नफरत है रिपोर्टरों से। देखिए देखिए हम समझ सकते हैं आपकी बात, लेकिन एक फोटो तो दीजिए। सर जी एक सेल्फी तो आपके साथ होनी चाहिए। खबरदार किसी ने मेरी फोटो खींची तो कोई मेरी फोटो नहीं खींचेगा। ए नथुराल कैमरा नीचे कर, मुझे सब दिख रहा है। अरे क्या कर रहे हैं? अरे शीतल हटाओ ना इनको यार। अरे मत कीजिए ना, हमारे पति के सर पे चोट आई है। फोटो खींची। अरे बाबू, अरे बाबू कहाँ गए? क्या हुआ, कैसे ला रही है? देखो रिपोर्टर्स के पीछे भाग रहे हैं। रिपोर्टर्स पीछे नहीं, कहीं और जा रहा है। अरे कहीं और से तुम्हारा क्या मतलब है? देखो भाग रहे हैं, हमें दिख नहीं रहा है। क्या तुमसे उसने कहा कि वो जॉब पर जा रहा है? वहाँ कितनी ठंड है ना। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? पागल हो गए हो क्या? पागल हो, मेरे कान खराब करेगी। चल हम अंदर जाओ। एक तो बैठ बैठ के ठूसते हो, फ्री का खाना खाते हो, काम कुछ करते नहीं हो, हमें जाके देखते हैं। आ गया ना, कोई मेरी फोटो ना छाप दे, मेरी बीवी को पता चल गया तो मैं तो बैंड बन जाएगी। रुको 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 पहले सुबह उठता है, फिर काम पर जाता है और वापस आके शीतल के साथ सोता है। हाँ। उसके बाद ये वापस काम पे जाता है और उसके बाद ये दूसरी औरत के साथ सोता है।
ये फिर काम पे जाता है, फिर वापस आता है और फिर सोता है। मुझे इससे जलन होनी चाहिए या नहीं? नहीं, 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 जलन नहीं होनी चाहिए। बेचारा मेहनत तो बहुत करता है ना, कितना कमीना ये। ऊपर वाले उसकी दो दो और मेरी एक भी नहीं। अजय, आप कौन? बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूं। थैंक्स, बट किस काम से आए हैं? ओह हाँ, आई सी। ये मैं एक छोटा सा न्यूज़पेपर चलाता हूँ। ये मिस्टर अजय का ही घर है ना? हाँ, पर क्यों? भाई मुबारक हो आपको, आपके हस्बैंड तो कमाल के आदमी हैं। अरे भाई, उन्होंने कल रात को बहुत बड़ा काम किया है। Really? जी। हाय हैंडसम, केले खाओगे? नहीं नहीं, मैं केले नहीं खाता। खा लो, बहुत मीठा है। अरे मुझे केले पसंद ही नहीं है भाई। खा लो ना। आप यहाँ रहते? मैं? हाँ? आप मेरे ऊपर और मैं आपके नीचे रहता हूँ। मेरा मतलब है आप वहाँ और मैं यहाँ। ओ अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। केले खा लो। नहीं नहीं, तुम ही खाओ, मुझे तो मीठा ही पसंद है। खा लो ना। नहीं नहीं, आप खाइए, लगता है आज का दिन कुछ ज्यादा ही मीठा है। सुनो ना, आपको पता है मेरे हस्बैंड मुझे कॉल नहीं करते ना, मैं तो सारे हॉस्पिटल जाके चेक करने वाली थी। वो तो अच्छा हुआ पुलिस वाले से पहले मेरे हस्बैंड ने मुझे कॉल कर दिया। ओ आई सी, कमाल की बात है। अब देखिए, मैं इसी बात पर रिपोर्ट कर रहा हूँ। जब से मैंने इस बारे में सुना है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही कमाल की स्टोरी होगी, इसीलिए मैंने ठान लिया। चाहे कुछ भी हो, मैं इस स्टोरी को। अजय, जानू, आप ठीक तो हो ना? आपको कहीं चोट तो नहीं आई? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये आदमी कौन है? अरे ये बोल रहे थे ये रिपोर्टर है। हाँ, अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये उसी डिलीवरी बॉय का मकान है ना, जिसने भूपी बदमाश को पकड़ाया है। मैं बताती हूँ। इनके कहने का मतलब है एक और डिलीवरी बॉय है जिसका सेम टू सेम आपके जैसा नाम है। Really? अरे भाई, घर का दरवाजा खुला है, आइए आइए, वहीं बैठकर बात करते हैं। आ जाइए आ जाइए। अरे लेकिन आप, अरे चलो भी अंदर। अरे चलो, टेंशन मत लो। शीतल, मेरी बात सुनो तो सही। कहाँ सुने, सुनाओ। शीतल बहुत ही पवित्र नजर देखता है भगवान। हमारी पवित्र नजर बताया तुम्हें भी। हमारी कसम का झूठ। शीतल, पागल है, पागल है क्या शीतल? हम जाएगी। शीतल, शीतल छोड़ेंगे नहीं। पागल है क्या शीतल? पागल, मार देंगे हम। एक मिनट, शीतल ये उठा पटा। शीतल ये लगा और लगा, नीचे तो बैठो। हमारी कसम, तुम्हारी झूठी थोड़ी खाएंगे हम। फिर हमारी कसम। शीतल नहीं, छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। हमारा दिमाग खराब करके रखते हो। अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे। कसम से पहले तुम्हारी कसम। हमारी कसम खा रहे हो? अपनी कसम। अब हम जा रहे हैं, तुमने हमें पगला दिया है। अब ये आएंगे ना तो इनसे शिकायत भी लगाएंगे। आ नहीं तो तो कल रात एक डिलीवरी बॉय जिसका नाम अजय है, उसने एक कुख्यात अपराधी को पकड़वाया
और फिर वो सारी रात हॉस्पिटल में रहा। यही हुआ था ना सर? हाँ हाँ यही तो हुआ था। दुनिया में भी कितने अजीब अजीब कोइंसिडेंस है ना। हाँ देखो ना, एक मामूली से डिलीवरी बॉय ने इतना बड़ा कारनामा कर दिया। कितना अच्छा होता ना उसकी जगह मैं होता। है ना कमाल की बात। यही तो हमारे न्यूज़पेपर का सब्जेक्ट है। सर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? सर अब मुझसे सवाल पूछ के क्या मिलेगा आपको है? मैं तो वो हुई नहीं ना। अब देखो मैं रातों रात हीरो बन गया हूँ, बल्कि मैं तो सारी रात मदद के लिए अपनी बाइक के पास बैठा हुआ था। बताइए। राइट। सारी रात? हाँ सारी रात। जानू तुमने बताया नहीं इनको? हाँ हाँ इन्होंने बताया था। हाँ? और वो मेरी दूध वाली किसान पप्पू से भी बात हुई थी। उसने कहा था कि मेरी भैंस भाग गई, समथिंग लाइक दिस। वाह 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 वाह। देखिए मैम ऐसे ही तो इतिहास बनता है। कितनी अनोखी बात है ना, ऐसे कैसे हो सकता है? अब यही तो हमारे न्यूज़पेपर का सब्जेक्ट है। इनका काम भी एक जैसा, नाम भी एक जैसा, और दोनों का एक ही रात में एक्सीडेंट भी हो जाता है। है ना कमाल की बात। कमाल तो है ही सर। पर सर अब तो सब क्लियर हो गया ना? हाँ क्लियर तो हो गया। लेकिन लेकिन वो दूसरा अजय होगा कहाँ? वो शायद अपने घर गया होगा। अपने घर? आप बिल्कुल सही कह रही हैं मैडम, वो अपने घर ही गया होगा। मगर उसका घर होगा कहाँ? मैं नहीं जाऊँ। क्यों क्या हुआ? ये जो लड़का है ना बहुत चालू है, बहुत काटता सर। अच्छा ठीक है डरा मत। अंकल अंकल है? एक बात पूछूं? आपके घर में शेवर है? हाँ है। तो भी शेव करके आया करो ना, आपकी शक्ल बहुत डरावनी है, इसको देख के तो मैं डर जाता हूँ। जय हिंद सर। जय हिंद सर। मुझे लगता है इस केस में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि सर मैंने अजय और उसके दोस्त पप्पू से बात की। सर मुझे तो इस दाल में कुछ जरूर काला लगता है, क्योंकि सर भूपी बदमाश का पकड़ा जाना अच्छी बात है। हाँ। लेकिन सर ये ऐसे कैसे हो सकता है? सर मुझे तो लगता है कि ये लोग भूपी बदमाश के ही आदमी है, और सर इनका किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ होगा और इन्होंने उसको पकड़वा दिया। सर मैं एक बार और ट्राई करना चाहता हूँ। तो तुम्हारे कहने का मतलब है भूपी और अजय दोनों बदमाश आपस में मिले हुए हैं? बिल्कुल सर। और अजय के पास भूपी बदमाश के आदमियों की लिस्ट है? सर अगर मेरी तब्दीश सही है तो हम एक बहुत बड़े रैकेट का पर्दाफाश कर सकते हैं सर। अगर अब तुम्हारी बात मैं मान भी लूं तो शक के बिना पर हम इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते। बिल्कुल सर। अगर तुम उनके खिलाफ कोई सबूत इकट्ठा करो तो कुछ हो सकता है। जी सर मैं करता हूं सर। थैंक यू सर। थैंक यू। जय हिंद सर। जय। अंकल अंकल एक बात पूछूं? इस बार बेटा पूछ मत। सुन तूने अपनी शक्ल देखी है? पूरा कद्दू लगता है कद्दू, और कम ठूसा कर वरना फट जाएगा फट, समझा? खुद तो कद्दू है, मुझे बोल रहा है। चल चल। के सिंह का नंबर होगा। हाँ रख लेते, काम आना। हाँ। भूख क्या मिलेगा इसे कुछ?
बनी बातें पागल औरत काहे मारा हमको? क्या कर दियो राम? रख रख के खराब होता खा लिया इसको। तुम्हें पता नहीं था अजय जी का बर्थडे है? अरे हमको क्या मालूम? निकलो यहाँ से बात। जो यहाँ से हमारी जोड़ी भी तोड़ दे आ नहीं तो। क्या है? एक बात बताओ। क्या है? तुम्हें नहीं बताओ तो अच्छा है। अब जाओ नहीं तो मेरे ठेक के मारेंगे तुम्हें हम। भगवान इतनी मुश्किल से चीनीज बनाए थे हम इनके लिए, हमारे पूरे सरप्राइज की इतनी तेजी कर दिए। नहीं यार मुश्किल है, आज नहीं आ पाऊंगी। तू संभाल लेना ना। नहीं बीमार नहीं हूँ, बस ऐसे मन नहीं है। चल ठीक है, बाय, सी यू। हेलो। हेलो, हम अजय जी के घर से बोल रहे हैं, उनकी पत्नी। हमारी बात ऑफिसर के सिंह से हो सकती है का? हेलो, किसका फोन था? किसी का नहीं जानू। कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम क्या होगी? कुछ भी। हेलो, ऑफिसर के सिंह के घर से ही बोल रहे हैं ना? अमचुर्रा अमतुरकवा कुतरा उसका अमचुर्रा चुवा अमतुरवा। हेलो, कैसी कैसी आवाजें निकाल रहा था, क्या हुआ? वो जानू एक आदमी ना बड़ी अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रहा था, मैंने भी सुना इस साले को दो तीन आवाजें। हाँ एक लड़का है ऐसा, मुझे लगा वो रात को ही ऐसा करता है। बहुत सही किया तुमने। हाँ बराबर है। अजय इधर ही मजे लेता है और उधर ही मजे लेता है, मतलब इसके साथ दो दो और मेरे साथ एक भी नहीं होगी। क्या मेरी जिंदगी ऐसी बीत जाएगी सामान लाने और मार खाने में? सबसे पहले तो मुझे घर छोड़ना पड़ेगा। पागल औरत। ओई माँ, क्यों क्या छुपा रहे हो? मैं क्या छुपाऊंगा, ऐसे पीछे जाओगे तो कोई भी डर जाएगा ना। सर अजय घर पर नहीं है सर, वो जॉब पे गया है। उसकी वाइफ तो घर पे होगी ना? हाँ सर वो घर पर है, पर सर वो थोड़ा सा टेंशन में है और दिमागी रूप से थोड़ा हिल भी गई है। ऐसे घूल कह रहे हो सर? सर आप मुझ पर डाउट कर रहे हैं? सर आप डाउट कर रहे हैं? और देखो सर आप देखो, देखो सर, देखो सर, देखे सर। पर सर आप यहाँ पे आए क्यों थे? मैं यहाँ एक तहकीकात के लिए आया था। क्योंकि आज सुबह ही किसी ने रिपोर्ट लिखाई है कि एक अजय नाम का डिलीवरी बॉय लापता है। तो सर शीतल ने लिखाई होगी सर, इसमें कौन सनों की बात है? अगर किसी का हस्बैंड घर नहीं आएगा तो क्या वो ये भी नहीं करेगी? अगर सर उसकी जगह पे मैं होता तो मैं भी वही करता। पर सर अगर आप यहाँ पे उस वजह से यहाँ पर आए हैं सर, तो आपने अपना टाइम खराब कर दिया है। पप्पू बात की बात ये है कि अगर वो आदमी यहाँ आ चुका था तो फिर रिपोर्ट किसने लिखवाई, और अगर रिपोर्ट लिखाई तो फिर दूसरे एड्रेस से क्यों?
और क्या था वो एड्रेस? बेंगलुरु 135 बाजपुर, ये कैसे हो सकता है? सर मुझे कैसे पता, मैं क्या जानूं? हाँ तुम्हें कैसे पता होगा, लेकिन तुम इतना क्यों घबरा रहे? कौन मैं? सर वो क्या, उम्मीद थोड़ी ठीक नहीं है सर, और वो क्या समझे सर, ठंड भी लग रही है सर। देखो पप्पू, अजय अभी घर में नहीं है, अगर तुम कुछ बताना चाहते हो या कुछ छुपा रहे हो तो बता सकते हो। ओके, मुझे ही उस एड्रेस पर जाकर पता लगाना होगा। लेकिन पर सर, क्या वो बाजपुर तो आपके लिए मैं नहीं आता है ना सर? पप्पू, तुम पप्पू दिखते जरूर हो लेकिन पप्पू हो नहीं। जानू, मैं सच कह रही हूँ। क्या? जब मुझे लगा ना कि मैंने तुम्हें खो दिया, मैं तो पागल हो गई थी। अच्छा? दिमाग खराब हो गया था मेरा। फिर मैंने सोचा कि जब तक हम बूढ़े नहीं हो जाते, हम बहुत 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 सारा प्यार करेंगे, ओके? और हम प्यार करने में कोई कंजूसी नहीं करेंगे। आप कौन है यार? मैं देखता हूँ ना। तुम अरे मैं वो पप्पू दुधिया बोल रहा हूँ। अरे यार क्या हुआ, कौन है? कोई नहीं जानू, ऐसे यहाँ कैसे फोन किया? ए तू पागल हो गया क्या? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ जी? अबे कमीने, तू एक्टिंग बंद कर समझा। आप फोन किया तो कुछ तो बोलिए ना, घबराइए नहीं। अरे बोलिए बोलिए। अबे तो सुन, वो पुलिस वाला के है ना, तेरे दूसरे घर आ रहा है। फिर से बोलना। अबे तू साफ में है क्या? अबे वो पुलिस वाला के तेरे दूसरे घर के रास्ते में है। क्यों? अबे तुझे हो क्या गया? अबे तू ध्यान से सुन, ध्यान से। वो बोल रहा था कि उसे डिलीवरी बॉय अजय के लापता होने की रिपोर्ट मिली है उसे, और वो तेरे दूसरे घर की तरफ जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, हमारे पास बहुत दूध है, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। हेलो हेलो, अबे लगता है सर पर चोट लग गई है क्या? कहीं पागल तो नहीं हो गया? वो जानू, वो दूधे याद है जिसने मेरी जान बचाई थी? हाँ। वो ही था, बोल रहा था कुछ दूध है ले लो, हमारे घर में बहुत दूध है इस टाइप का कुछ। क्या? मतलब उसने हमारी मदद की तो वो चाहता है कि हम उसका दूध खरीद लें? इस टाइप। पागल है वो, और यही टाइम मिला था उसे कॉल करने के लिए। देखो ना, एनीवेज ये लो। ये क्या है? मैरिज पेपर्स है, हमें एक साल हो गया ना। जानू इसकी क्या जरूरत थी? तुम मुझे प्यार करती हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तो ये बीच में कहाँ से आ गया यार? ये इसलिए नहीं है कि मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, ये इसलिए है क्योंकि यही सही होगा, मुझे अच्छा लगेगा, और मैं तुम्हारे साथ सारी उम्र रहना चाहती हूँ। जानू मैं भी चाहता हूँ, पर यू नो मैंने पूरे साल इस बारे में यही सोच के फैसला लिया है कि तुम ही वो आदमी हो जिसके साथ मैं अपनी सारी जिंदगी रह सकती हूँ, आखिरी सांस तक। जानू मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन अभी क्या जरूरत है इसकी? इसीलिए मैंने इसे कानूनी तौर पे पक्का करवाया, और मुझे एक बेबी भी चाहिए, इसके लिए बहुत जरूरी है। तुम सच में ऐसा चाहती हो? पक्का? हाँ। ठीक है, हम अभी चलेंगे। अभी? कल जाते हुए कर लेंगे ना, पहले जो शुरू किया उसे खत्म तो कर लें। नहीं नहीं नहीं, पहले शादी का काम, बाद में आराम से ढूंढ। चलो चलो चलो। Ha 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 ha
आराम से खाना खाएंगे और फिर आराम से बाहर आएंगे, ठीक है? हाँ, पर पहले मैरिज वाला काम तो कर ले। अरे वो भी हो जाएगा, जाओ यार तुम परस उठाओ। चलो तुम जल्दी जल्दी चलो, चलो यार। अब कौन आ गया? रुक 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 रुक। क्या हुआ? मतलब मुझे लग रहा है कि बाहर पुलिस हो सकती है। पुलिस? हाँ मतलब पुलिस नहीं हुई तो रिपोर्टर हो सकता है। क्या बोल रहे हो? मतलब जानू, लोगों को लगता है कि मैंने भूपी बदमाश को पकड़ा है ना, तो वो लोग मुझसे मिलने आएंगे और मैं नहीं चाहता कि हम दोनों के बीच में कोई आए, है ना? ये लोग हमें कब तक परेशान करेंगे? अरे जानू, अब जो कुछ भी हो, कोई भी आता है ना, तुम बोल दो कि मैं वो आदमी नहीं हूँ, ठीक है? और हाँ, मैं उन लोगों से मिलना नहीं चाहता हूँ, तो मैं पीछे के रास्ते निकल रहा हूँ, तुम संभाल लोगी ना? हाँ। और तुम मुझे सामने के गेट पे मिलो, ठीक है? ठीक है, ठीक है, मेरा जाओ जाओ। जी नमस्ते। माफी चाहूंगा, आप कल से काफी थके हुए होंगे। तुम कौन हो? कल से आप काफी शौक में होंगे। शौक? वैसे मैं अपने बारे में बता दूं, मैं रिपोर्टर गुप्ता। मिस्टर अजय, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा, कल रात को आपने वो कर दिखाया जो सालों से पुलिस ना कर पाई। सच? क्या? और एक और कमाल की बात बताऊं? आज सुबह वो पहाड़ी कॉलोनी गया था, वहां पर एक आदमी से मिला, उसका नाम भी अजय है। ना कमाल की बात, एक ही दिन में दो अजय नाम के व्यक्तियों से मिलना। क्या क्या आप जानते हैं उसे? हाँ हाँ, क्या आप जानते हैं उसको? हाँ, सुबह उसका कॉल आया था और मेरे लिए वो काफी खुश था। उसका कॉल आया था आपके पास? हाँ। और वो खुश भी था, मगर उसको आपका नंबर मिला कहाँ से? ये बात तो मैं भी जानना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि जब कोई व्यक्ति इतना प्रसिद्ध हो जाता है तो उसको ढूंढना उतना ही आसान हो जाता है। जैसे कि मैं रात को सोता हूँ, सुबह उठता हूँ और फिर देखता हूँ कि मैं फेमस हो गया हूँ, है ना कमाल की बात? आप रात को सोते हैं, फिर उठते हैं और प्रसिद्ध हो जाते हैं। एक तो वैसे भी लेट हो रहा है, ऊपर से इसको भी अभी आना था। बॉबी, हाँ? जल्दी आओ, मुझे बाहर जाना है, मैं लेट हो रही हूँ। तुम तो पानी पीने गए थे, तुम केला खा रहे हो। एक्चुअली तुम्हें पता है ना, मुझे केले कितना पसंद है। तुम खाओगी? नहीं नहीं, मेरा मन नहीं, आप खाइए। खा लो, बहुत टेस्टी है। नहीं थैंक यू। वैसे घर बहुत अच्छा सजाया है तुमने। तुम्हें तो पता ही है मैं इंटीरियर डिजाइनर हूँ, और खास बात यह है कल मेरे पति का बर्थडे था, हमारी शादी की सालगिरह भी। अच्छा, मुझे बताओ कौन सा कलर चाहिए आपको? तुम खुश हो? हाँ मैं बहुत खुश हूँ। ओके, दिस वन या ये वाला? ये चलेगा। ओके, वैसे आप क्या करते हो? मैं मेरा होलसेल का बिजनेस है। कभी आइएगा अपने हस्बैंड को लेकर मेरे घर पे, डिटेल में समझा दूंगा। आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आप बुरा तो नहीं मानोगे? आपके बारे में जो अफवाह है, क्या आप गे हो? हाँ, ये किसने कहा तुमसे? सॉरी सॉरी, एक्चुअली मैंने सुना था ना, तो इसलिए बुरा मत मानो प्लीज। वैसे एक बात बताऊं? हाँ? मैं गे हूँ। अच्छा, मुझे लेट हो रहा है, प्लीज। okay. वो मेरा वेट कर रहे हैं बाहर। okay. है ना, ठीक है, लेकिन अपने हस्बैंड को लेके जरूर आइएगा। ओके okay, चलो चलते। और बताइए। अरे अरे शीतल, इनसे मिलो, रिपोर्टर गुप्ता आए हैं। नमस्ते, नमस्ते जी। नमस्ते। कैसे हैं? हाँ बढ़िया। अभी हमारे पति के लिए आए हैं। आपको पता है वो कहाँ है? हाँ बिल्कुल, देखे हैं। आप मिले उनसे? हाँ मिले ना। अरे तुम चुप रहो, हम तुमसे पूछ रहे हैं कहाँ।
अरे गुप्ता जी बताए ना, कब मिले, कहाँ मिले, कैसे मिले, बताइए ना। अभी मिले, बस अभी मिले। अरे अभी मिले का क्या मतलब है गुप्ता जी? हम अपने पति को बहुत जगह ढूंढा है लेकिन उनका कोनो पता नहीं चल रहा है। और आपको पता है उनके सर पे गहरी चोट आई है। अरे उनको काहे देख रहे हैं, पूछ रहे ना, बताते क्यों नहीं, कहाँ है हमारे पति? अब बताइए ना गुप्ता जी, ऐसे काहे देख रहे हैं हमारा मुँह? बस तुम सही कह रहे हो शीतल, आखिर मुझे भी चिंता हो रही है, मैं भी पागल हो जाऊंगा। आखिर अजय है कहाँ? रातों रात एक डिलीवरी बॉय हीरो बन जाता है और उसी ने उस साधा से डिलीवरी बॉय को कहीं गायब कर दिया, तो मैं क्या करूं? पप्पू पप्पू तो स्कूल गया। हाँ, पप्पू स्कूल। क्या बोले? पप्पू मेरे बेटे का नाम है और वो स्कूल गया है। अरे कान में कहाँ पुसर कर रहे हो तुम दोनों? हाँ पप्पू को मैंने खाना खिला दिया और स्कूल भेज दिया उसको। हम पागल हो जाएंगे, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं लोग। एक मिनट अभी ये कहाँ जा रहे हो तुम? जब से मेरे पत्नी से तो चोट लगी तब से ऐसी हरकतें करती है। अल-जज़ीरा अल-जाइमर, जिसमें इंसान की आदत जाती और आती रहती है। हाँ, वही अल-जज़ीरा। अब पप्पू 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 तो स्कूल गया है और अभी आने वाला है। हम पगले आ जाएंगे, हटो यहाँ से। शीतल घर में मेहमान है, पागल हो गए क्या? हटो। गुप्ता जी आप बताइए, आपको पता है ना हमारे पति के बारे में? आप कुछ छुपा रहे हैं ना, बताइए ना। अरे शीतल यार मेरी बात सुनो, आज तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, देख लेना शीतल एक मिनट सुनो, कैसी जिंदगी जीते हम? मैडम एक बात बताइए, ये पप्पू कौन सी कक्षा में पढ़ता है? देख लो, आज निकलो यहां से। मैडम वो कौन सी कक्षा में? बताएं पगला दिया हमको ससुरा। हेलो पप्पू तो स्कूल गया। ओ यार कितना चालू मैं। अरे फोन कर लेता हूँ तब तक। हेलो। हाँ जानू। हाँ शीतल मैं बोल रहा हूँ। बोलिए ना। अरे रो क्यों रही हो? अरे कुछ बताओ कि मुझे क्या हो गया? हमें नहीं पता, पर हमारे अलावा ना यहाँ पे सब पगला गए हैं। पप्पू तो पहले ही पागल था और पगला गया है, और रिपोर्टर गुप्ता वो भी उसके साथ पगला गया है। रिपोर्टर गुप्ता? हाँ। वो वहाँ आया था? हाँ आया था ना। देखो शीतल तुम रो मत। और तुम टेंशन मत लो। अरे लेकिन ये पप्पू के बच्चे का प्रॉब्लम क्या है? अरे अजय। हेलो। कोनो बोलता ही नहीं है। लगता है आज शिकार खुद ही फंस गया है। अरे अजय जी मैं तो आपको पहचान ही नहीं पाया, आप यहाँ रहते हैं? वो सर हम सर एक मिनट अंदर चल के बात कर सकते हैं सर? हाँ हाँ वहीं करेंगे बात, मैं सब जानता हूँ, इसलिए ज्यादा चालाकी करने की जरूरत नहीं है। सर बात यह है सर ये घर और वो घर दोनों मेरे पर, मेरी उस वाइफ को नहीं पता कि मेरा ये भी घर है। हाँ क्यों नहीं सर, आप तो जानते ही ना कि इंसान की जिंदगी में कितनी परेशानियां होती है। सर मेरी वाइफ जो है वो काम करने से थक जाती है सर, इसलिए उसे प्राइवेसी की जरूरत थी सर, तो उसको प्राइवेसी मिले इसलिए मैंने ये घर ले लिया, ताकि उसको भी आराम मिल सके। उसे भी तो आराम की जरूरत होती है ना सर, थक जाता है इंसान सर। अरे वो देखो कौन आया है, इसे कहते हैं दिल का रिश्ता, जैसे राम और श्याम, गोपी और किशन, और अजय और पप्पू। इधर आ। हाँ तू इधर आ। मुझे पता था
शिकार खुद ब खुद यहाँ फंस कर आएगा। अब तुम दोनों का खेल खत्म हुआ। बहुत बेवकूफ बनाया तुम लोगों ने मेरा। पिछले 6 महीने से पुलिस तुम लोगों को ढूंढ रही है, आज पकड़ में आए हो बच्चू लोग। ये आप क्या बोल रहे हैं सर? मैं क्या बोल रहा हूँ? ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करना। के के सिंह नाम है मेरा। चुपचाप सब उगल दो, तुम्हारे पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है। पर सर, आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? जरा शक्ल तो देखो दोनों की। तुम दोनों वो लोग हो जो भूपी बदमाश की मदद करते हो, और मैं जानता हूँ तुम लोग छुपने की कोशिश कर रहे थे। वो एक सिर्फ एक्सीडेंट था जिसमें भूपी बदमाश एक्सीडेंटली पकड़ा गया, और वो सब कैसे हुआ ये सब तुम लोग अच्छे से जानते हो ना? शायद अब पैसों को लेकर तुम्हारी लड़ाई हुई होगी। बताओ कहाँ है वो? बेवकूफ कहीं का, चुप। हमेशा बता देता है तू यहाँ पे रहा। जब कहाँ है? क्या सर? लिस्ट। हमें नहीं पता सर। लगता है कि तुम लोग ऐसे नहीं बताओगे। चलो चल। एक मिनट, तुम लोगों ने मेरा बहुत टाइम खराब कर दिया। अब मुझे लिस्ट चाहिए, लिस्ट, और वो भी अभी के अभी, समझे? क्या सर, क्या? अबे गोबर, लिस्ट चाहिए, लिस्ट। ठीक है सर, मैं शुरुआत से शुरू करता हूं। असल में कोई लिस्ट है ही नहीं। सब गड़बड़ हो गया यार। तू मुझे माफ कर दे यार। माफी मत मांग मेरे दोस्त, आखिर कब तक छुपाते? अच्छा है। तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। मैं को टेंशन लोगा, मुझको तो तेरी टेंशन हो रही है। इसमें शर्मिंदा होने वाली कोई बात नहीं है मेरे दोस्त। अच्छा, शर्मिंदा होने वाली कोई बात नहीं है। तुम बताना चाहते हो कि मैं बताऊं? मैं क्या बताऊं, तू बता ना। सही है, आप अभी तक नहीं समझे। क्या नहीं समझे? मैं सब समझ गया हूं। आप नहीं समझे। असल में मैं और पप्पू ये है। ये क्या होता है? एक बहुत ही खास तरीके का रिश्ता है ये। ए अजय, तू ये कैसी बकी बातें कर, तुझे क्या हुआ है? भरोसा रख मेरे दोस्त, सब ठीक हो जाएगा। मैं जानता हूं आप इस बात पर यकीन नहीं करेंगे, मगर फिर भी हम सच्चे दिल से देखा आपने ये रिश्ता है हम लोगों का। 1 साल पहले जब मैंने और पप्पू ने साथ रहना शुरू किया था, तभी हम दोनों को एक दूसरे के प्यार का पता चल गया था। पहले मैंने खुद को रोकने की कोशिश की, पर फिर क्या करता, पप्पू की इन मासूम नजरों के आगे मैं हार गया और के बढ़ गया। मगर मैं क्या करता, मैं, मेरी एक बीवी थी मेरी, इसलिए इस घर की जरूरत थी। अब मैं सब बता दूंगा इस बेटे। बस पप्पू बस, मैं समझ रहा हूँ तुझे क्या फील हो रहा है, मगर क्या प्यार करना गुनाह है? गुनाह है प्यार करना? पर मैं सब बताऊंगा सब कुछ। अरे मैं बोल रहा हूँ, मैं समझ गया हूँ सब।
64 days. सच? पक्का? ठीक है। सर लगता है कोई आया है सर। वो अभी तो आपको हमारे बारे में सब पता ही है ना सर, तो अभी तो आप जा रहे होंगे ना सर। हाँ मैं सब समझ गया हूँ, लेकिन मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम दोनों गे से मिलने कौन आया है। और हाँ हिलने की कोशिश मत करना, मैं बहुत खतरनाक हूँ। माफ कीजिएगा, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। एक्चुअली मेरे केले लेने आया था। मेरा मतलब है मेरे केले की थैली यहाँ रह गई थी, मैं वही लेने आया था। बॉबी तुम आ गए, बॉबी आ गया। सर ये बॉबी है, बॉबी है, केके सर है। हेलो बोलो। हेलो, मेरा नाम बॉबी है, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। मैं अंदर जाके मेरे केले लेके आता हूँ। हाँ लो ना, तुम्हारा अपना घर है, जितने चाहे ले लो। लो ये सब क्या है? वो सर वो बॉबी था, वो यही पास में रहता है, अक्सर केले लेने आता रहता है। बेवकूफ लोग कैसे कैसे दोस्त बना रखे हैं, आपको पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। थैंक गॉड मेरे केले खराब नहीं हुए। मेरा मतलब है केले। तुम्हारा इन दोनों के साथ क्या रिश्ता है? हमारा, हम दोस्त हैं। ये मेरे ऊपर और मैं इनके नीचे रहता हूँ। मेरा मतलब है ये यहाँ और मैं वहाँ रहता हूँ। मतलब तुम भी गे हो? क्यों? और आपका ये तुम्ही से क्या मतलब है? अबे ये तुम्हारे दोस्त है, तुम्हें नहीं पता ये कमीने भी गे हैं? हाँ क्या ये सच है कि ये दोनों भी ये हैं? और आप क्या हो? क्या हूँ मतलब? ए, मैं वो नहीं हूँ। रिलैक्स रिलैक्स, मैं तो मजाक कर रहा था। वो क्या है ना, मुझे ज्यादा बोलने की आदत है। अच्छा तो मैं चलता हूँ, घर पर थोड़ी सफाई करनी है। केले खाएंगे? ओए मुझे नहीं खाना तुम्हारा केले। खा लीजिए, आपके लिए अच्छा है। अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ, ठीक है, बाय बाय। अच्छा बॉबी आते रहना। हाँ बॉबी आज के बाद तुम लोग क्या करते हो इससे मेरा कोई मतलब नहीं है, और मैं जा रहा हूँ। ठीक है, पर सर सुनिए तो, मैं एक इज्जतदार पुलिस वाला हूँ, समझे? और खबरदार मुझसे दोबारा पंगा लिया तो और मुझे रोका तो ये लोग। पर सर सुनिए तो, पर सर, अरे सर सुन सर। अरे आप अकेली जान इस ग्रीन पार्क में क्या कर रही है? सर वो मैं, अरे चलो कोई बात नहीं। अरे नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें गलत टेंशन हो जाएगा, हम पुलिस वाले हैं तो टेंशन लगेगा ना। अब एक काम कीजिए, अपना नंबर लिखवाइए, उसके बाद मैं हूँ ना, कोई परेशान नहीं करेगा। बताइए नंबर। अरे बोलिए बोलिए बोलिए, डरती का है हम, है ना, बताइए, बोलिए बोलिए बोलिए। जैन सर। अरे संतु। हाँ। अरे तुझे पता है वो? हाँ। जय और वो पप्पू थे ना? हाँ पप्पू जैसा। अरे वो दोनों कमीने किए हैं। हाँ हाँ वही वही, उन दोनों पर नजर रखो, समझे? सर 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 सर, ये काम दो। क्या हुआ पप्पू और अजय? I'm gonna make it.
का चक्कर फंसी पेंचती है। गाड़ी चला रहा है अंदर, हवालात में डाल दूंगा अभी। तो? अरे अंदर किसे बोल रहे हो और घूर क्या रहे हो, पागल हो क्या? मुझे पागल कह रही है, खुद को गाड़ी चलानी आती नहीं है और अब मुझे पागल कह रही है। गाड़ी का लाइसेंस क्या मिल गया, हवाई जहाज बना दिया बिल्कुल। बेवकूफ कहीं का, हट! मुझे पागल बेवकूफ कहती है? बेवकूफ औरत, बदतमीज कहीं की पागल, मुझे पागल बोल के चली गई। जानू तुम आ गई, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? तुम्हें लग रहा होगा हम लोग लड़ रहे हैं ना, इसको लग रहा है हम लोग लड़ रहे हैं। अरे जानू, ये पप्पू है जिसने मेरी जान बचाई थी ना, वो दूधिया। हेलो बोलो। हाय, मैं पप्पू दूधिया। हाँ ठीक है ठीक है। और जानू पता है, ये मेरे को बता रहा था कि कैसे गाय का दूध निकालते हैं, कितना फनी है, तुम देखो ना। कैसे था वो? ऐसे थोड़ा ऐसे घुमाना है, ऐसे। जानू अब तो दूध निकालना आ गया, अब तो गाय का फार्म खोलेंगे। तुम अंदर आओ। भगवान, हमें हमारे पति से मिलवा दीजिए। जय माता रानी। एक मिनट मैडम, एक मिनट, एक मिनट। नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार नमस्कार। आपने सुना मैंने क्या कहा? नहीं सुना, बताइए ना क्या कहा। तुम्हारा पति गे है। गे? वो कहाँ होता है? अरे यार, मैं पागल हो जाऊंगा, इसे अफेयर ही करना था तो किसी महिला के साथ कर सकता था। अफेयर कौन करता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं जो भी कुछ कह रहा हूँ उसको ध्यान से समझो, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर किसी लड़की के साथ होता तो समझ में आता, लेकिन मेरा मतलब है कि तुम्हारे पति का संबंध आदमी के साथ है। और छी, कैसी गंदी गंदी बातें करते हैं, मुझे तो बताने में भी शर्म आ रही है। बस इतना जान लो कि तुम्हारा पति के
हमें जाके पता लगाते हैं। हाँ अरे सर, तू कितना कमीना यार, तेरे पास दो दो गर्लफ्रेंड, मेरे पास एक भी नहीं है और तूने मुझे गे भी बना दिया। सॉरी यार, वो जल्दीबाजी में उससे मैं जो आ गया वो बोल दिया था। एक बात सही बताऊं तुझे, लड़की मामले तेरी किस्मत बहुत सही कसम से भाई, तू एक बार सच बताएगा क्या तूने रिया को कैसे बताया? सच बताना भाई, बताना भाई, बताना बताना। अच्छा ठीक है, बता बता। तो क्या हुआ था ना कि ये बात जो है पिछले साल मेरे बर्थडे की है। बर्थडे की? हाँ, तो उसमें ये हुआ कि हाँ प्लीज, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। थैंक्स। हाँ अरे मैं कर दूंगा ना, आप इधर आइए प्लीज। क्या दाई है ना, सही है। क्या करूं, कैसे इंप्रेस करूं इसे। और भाई इस तरीके से अपनी सेटिंग हो गई। तुझे क्या लगता है मैं तेरी फिल्मी बातें ऐसे मान लूंगा, कुछ भी बोलेगा मतलब है? मैं ना मान, बात तो यही है ना। खैर उस दिन मुझे ऐसा लगा जैसे भगवान ने ना मुझे मेरा बर्थडे गिफ्ट दे दिया है। सच्ची बात बोलूं, मुझे लगता है ना उस दिन भगवान के सर पर चोट लग गई थी। यार अब मैं भी क्या कर सकता हूँ, सच बोलूं रिया से बहुत प्यार करता हूँ यार। और शीतल का क्या होगा? अबे उससे भी करता हूँ। ए भगवान, कितना कमीना है ये। क्यों, एक आदमी दो औरतों से प्यार नहीं कर सकता क्या? मुझे देखना, क्या तकलीफ है? नहीं मुझे तेरी नहीं मतलब, मुझे तो इसलिए फिकर हो रही है, दुनिया में कितने सारे लोग हैं जिन्हें सच्चा प्यार मिल जाता है और एक मैं हूँ। मैं रात को चप्पल उतारता हूँ, सुबह को मेरे को चप्पल नहीं मिलती मेरी। अरे खैर चल, जो भी है भाई, मैं तेरे जितना कर सकता था ना मैंने कर दिया, ठीक है। अब मैं बाकी इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। तेरे चक्कर में मैं गे बन गया, अब मैं जा रहा हूँ। अरे अरे सुन तो भाई, लेकिन तेरी सुननी, तेरे चक्कर में मैं गे बन गया। और देख, तेरे जितना मैं कर सकता था मैंने कर दिया, ठीक है, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। अरे लेकिन, और हाँ मेरा हिस्सा मत भूलना, समझा तू? अरे लेकिन सुन तो सही, अरे तू जाएगा कहाँ, खाना खा के जा यार। अरे यार खाना खा ले, ये बना दिया मुझको अपने आफेर के चक्कर में, फालतू कहीं का। अरे बाप रे, आप यहाँ हैं? चलिए चलिए, आ जाइए आ जाइए, आइए आइए आ जाइए, आओ भाई अंदर चलो। अरे चल रहा हूँ ना यार, नीचे सिलसिले में होंगे। चलो चलो अंदर चल के बैठ। चलो 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 चलो। और सब बाकी ठीक ठाक है ना? Hey, hey, hey.
तो मैंने फैसला कर लिया कि मैं यहाँ आऊंगा और आप दोनों के रिश्ते के बारे में पता करूंगा। अब देखिए ना, आप दोनों का नाम भी एक जैसा, काम भी एक जैसा, अब कुछ तो अलग होगा ना। और कमाल की बात तो ये है कि ये वही अजय है जिन्होंने भुप्पी बदमाश को पकड़ाया। मतलब? मतलब ये कि मैंने अपने जीवन में बड़ी कमाल की चीजें देखी हैं, मगर दो अजय नाम के व्यक्तियों में इतनी समानता पहली बार देख रहा हूँ। वो कहते हैं ना, जोड़िया तो ऊपर वाला बनाता है। जोड़िया, हम कोई कपल हैं क्या? इसीलिए तो सर ये यहाँ पर आया है। आप दोनों काफी घुल मिल गए हैं, तो आइए कुछ काम की बात कर लेते हैं। जानू, बाहर क्या कर रहे हो? वो जानू वो आए थे तो इनसे थोड़ी बात कर रहा था। और हाँ, वो बॉबी आया था, कुछ केले वेले के लिए पूछ रहा, तो लेके गया शायद। हाँ ठीक है। मैडम जी, मैं फिर आ गया। अब आप क्या करने आए हैं? मैं तो किसी काम से आया था, मगर इन्हें यहाँ देखकर सरप्राइज हो गया। हाँ, सरप्राइज तो मैं पहले ही हो गई थी। इन्हें सरप्राइज देना काफी अच्छा जो लगता है। और सुनिए, हम ये दूध वूध नहीं पीते, ठीक है? आप चाहे तो अपने तबेले में वापस जा सकते हैं, जो भी आप पप्पू जप्पू जो भी नाम है आपका, समझे? ये तो दूध देने के पीछे ही पड़ गया। मैडम को पप्पू के बारे में कैसे पता? वो क्या है कि मैं और जो अजय है ना, वो मेरे बेटे पप्पू को ना दूध लेने के बारे में बात कर रहे हैं। हे भगवान, घर के हालात तो बहुत खराब हो गए होंगे। हाँ, अब पहले से बासे बदतर होते जा रहे हैं। ये किसे कौन सी जगह बता दूँ? देखते हैं जा। बात तो हाँ, सही बस है। आइए आइए, बैठिए बैठिए। भैया, अब चाहते तो नहीं हैं कि मैं इस बारे में बात करूं, मगर बात करना भी जरूरी है, ठीक है ना? भाई, इनके घर जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि इनके जीवन में बड़ी परेशानियां हैं। इनकी बीवी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। अरे सुनिए तो सही, इनकी वाइफ के यहाँ पर चोट लगी है, जिससे उनको वो अल जजीरा हो गया। हाँ, अरे अल्जाइमर यार। अरे हाँ, वही अल जजीरा। और कमाल की बात तो ये है कि वो अपने बच्चे को भी नहीं पहचान रही। अच्छा। आपके बच्चे का नाम पप्पू है ना? पप्पू। भाई, चाहे कुछ भी हो, हमें अपने बच्चे की परवरिश बहुत ही अच्छे से करनी चाहिए। आखिर वो हमारे देश का भविष्य है। और वो चाचा नेहरू ने कहा सर, है। सर 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 सर, देखिए दीदी, आपको नहीं लगता कि ये मामला जो है थोड़ा सा सेंसिटिव है और मुझे इस बारे में थोड़ा सा और वक्त मिलना चाहिए? भाई मैं समझ गया बिल्कुल, कि आप चाहते हैं कि मैं इस बारे में आप पे दबाव ना डालूं। जी जी। हाँ तो जाने दीजिए, जाने दीजिए। वैसे भी सिकंदर ने कहा है। नहीं नहीं, मैंने नहीं। ये धोती साली। क्या मैं आपका बाथरूम यूज कर सकता हूँ? उधर जाओ, उधर जाओ। लगता है कोई आया है, मैं खोलूं क्या? अरे जाके तू पहले अपना खोल यार। दरवाजा तू खुद जाके, तू जाके खोलना। जाना, जाना। अब क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं मतलब क्या? कुछ नहीं। और वो घंटी की आवाज कैसी थी? अरे वो पप्पू की बीवी आई है, दिमाग से हिली हुई है, बिल्कुल पागल है वो। पप्पू की बीवी? क्या बोल रहे हो? अरे मुझे नहीं पता यार, मुझे परेशान कर रखा हूँ।
अबे तुझे क्या पता पागल, मैं भी डरा था। अगर वो वाकई में होती तो मैं सोचता कि मैं क्या करूं। पता लगा जैसे सामने डायन है। डायन शीतल, तुम गलत समझ रही हो। हम गलत समझ रहे हैं, सच बताओ। मैं एक्सक्यूज मी, क्या मैं थोड़ी देर और फ्रेश हो सकता हूँ? अच्छा, हो ही लेता हूँ। लगता है ये घर चिड़िया घर बन चुका है। और मैंने तुमसे कहा था ना, अगर 10 मिनट में ये सब मुझे बाहर नहीं मिले ना, तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से। कौन थी? कौन थी ये लड़की? कौन थी? वो भरूपिया। कहाँ बोले? मतलब वो लड़की नहीं है, वो लड़का है और लड़कियों के कपड़े पहन के घूम रहा है। उसका नाम तो रिया नहीं है, रेशम है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो लड़की नहीं, लड़का है? हाँ, यही तो बता रहा था। समझ नहीं आ रही। भगवान, पागल हो गए। क्या हो गया, क्या हुआ? हम तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि आप हमें धोखा देंगे। अरे शीतल, तुम गलत समझ रही हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ शीतल, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम तो बोलो ही मत, हमें पहले ही पता था कि इसकी संगत में रह के आप बिगड़ जाएंगे। इसको हम खाना खिलाते हैं, अपने घर में रखते हैं और इसने हमारे पति को बिगाड़ दिए। शीतल, तुम जैसा सोचती वैसा कुछ है नहीं, मैं कोई गेवे नहीं हूँ। तुम गलत सोच रही मेरे बारे में। अरे वाह, आप सब यही हैं। अरे ये तो नीचे कर लीजिए। माफ कीजिएगा, ध्यान नहीं था। मैं जानता हूँ आप काफी दुखी होंगी। भाई, हमेशा वैसा तो होता नहीं है जैसा कि हम सोचते हैं। जीवन का नाम भी यही है। अब जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, हमें उसका डट कर मुकाबला करना चाहिए। मैं नहीं जानता आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं, लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय यही है कि चाहे कुछ भी हो भाई, भाई चाहे कुछ भी हो, पप्पू खुशी खुशी इसी घर में रहना चाहिए। अरे भाई, अब इस सनसनाती हुई समस्या का घनघनाता हुआ समाधान यही है। अरे क्या बोल रहे हो? अरे अरे, अब बाकी बातें यहाँ नहीं हो। चलिए चाय पीते हैं, मैं बनाऊंगा एकदम स्पेशल। आइए आइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। चल। ताजा गरम चाय, जो पिए उसका रोम रोम खुल जाए। लीजिए मैडम। तो आप ये कहना चाहते हैं कि आप अपना जन्मदिन इन दोनों के साथ मनाने वाले थे और हम घर पे पागलों की तरह आपका इंतजार करते रहे? अरे मैडम, पहले चाय तो पीजिए, मैंने आपके लिए बनवाई है एकदम स्पेशल। हाँ, एक बात बताइए, आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं इन दोनों का पार्टनर हूँ। अरे अरे मैडम, क्या हुआ? तू रटिए ना। अरे मैडम, दिखाइए तो। अरे क्या है ना, कुछ नहीं हुआ है, समझ में नहीं आता है का थर की बुड्ढा कहीं का। थर की बुड्ढा कौन? मैं तो का तुम्हारा कोनो भूत बैठा है यहाँ पर? मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, ये मुझे थर की बुड्ढा क्यों बोल रही है?
जो लड़कियों के कपड़े पहनता है वो भी तुम्हारे जैसा है। तुम गई नहीं अभी तक? शीतल, अरे 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 क्या हुआ? अरे उठाओ, अरे क्या हुआ? चलो चलो चलो, अरे इधर इधर चल, अरे इधर चलो, उधर चलो, उधर अरे इधर उधर इधर उधर क्या लगा रेखा है? एक तो ये बेहोश हो गई और ऊपर से इतनी भारी है, कहीं भी ले लो यार। पप्पू पानी लेके आओ यार। पप्पू 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 तो स्कूल गया। पप्पू हट, तुम चलो यार, छोड़ो उसको, चलो 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 यार। लगता है डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। हाँ, मैंने सुना है कि जब कोई मरीज ऐसे बेहोश हो जाए तो उसके सीने पे मसाज करनी चाहिए। अजय जी आइए, करिए आप। क्या वो सॉरी, वो आपने अजय जी बोला तो मुझको लगा मेरे को बोल। कमाल के आदमी है आप। जाइए अजय जी, जाइए जाइए। हाँ करिए करिए। होश आया? नहीं, नहीं। लेकिन मजा बहुत आया। हाँ मैंने सुना है अगर ऐसे होश ना आए तो मुंह से मुंह अड़ाकर सांस देना चाहिए। हाँ हाँ दीजिए दीजिए। शीतल बहुत पड़ी हो, तुम भाग रहा है। अभी सालों तुम लोगों के चक्कर में फंस गया हूँ मैं। अजय, कहाँ जा रहे हो? चलो अंदर। कौन हो मुझसे ये पूछने वाले? तुम कौन हो? मैं पुलिस इंस्पेक्टर के सिंह नैनीताल। तो मैं रिपोर्टर गुप्ता। तो तुम फिर यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो मैं भी तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बोलिए बोलिए, अगर कुछ कहना चाहते हैं तो खुलकर बोलिए। नहीं, पहले मैं बोलूंगा क्योंकि मुझे एक सुराग मिला है। अरे हमको बचाइए, पिछड़े से बचाइए। मैं तो तुम्हें कम्फर्ट करने के लिए तुम्हारे कपड़े सही कर रही थी। अरे कहाँ कम्फर्टेबल, हमको ऐसी वैसी लड़की मत समझना, समझी? मैं पागल हो जाऊंगी। क्या हुआ मैडम? अरे सर देखिए ना, ये हमारा कपड़ा उतार रहा था। और हाँ, हमको ना बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना, समझे? एक मिनट, तुम तो वही हो ना, रोड वाले आदमी? अरे हाँ, तुम तो वही लड़की हो ना? अरे सर लड़की, ये लड़की नहीं है, लड़का है। कपड़े उतार के चेक कीजिए। अरे
जुबान संभाल के बात करो। पर सर हम सच कह रहे हैं, ये खाली लड़कियों के कपड़े पहनता है लेकिन लड़का है। अच्छा, मैं तो तभी समझ गया था। सर आप यहाँ दोबारा क्यों आए हैं? सब तो क्लियर हो गया था ना सर। मैं तुम्हें बताने ही वाला था कि मुझे एक सुराग मिला है। और वो सुराग है भूपी बदमाश की तहकीकात करने के बाद मुझे पता चला है कि वो कमीना भी गे है। और तुम सब के सब यहाँ पर गे हो। और ये लड़की के लिबास में जो खड़ा हुआ लड़का है ये भी गे है। तुम लोग मुझे बेवकूफ समझते हो हैं? बेवकूफ समझते हो तुम लोग? बस इंस्पेक्टर, बहुत हो गया। क्या बहुत हो चुका? तुम रेशम के पीछे पड़े हो और उसको पाना चाहते हो है? पर एक बात जान लो कि जब तक मैं हूं ना, मैं तुम्हें रेशम को नहीं पाने दूंगा। रेशम? हाँ रेशम। शुरू से ही इस आदमी की नजर एक ही चीज पर थी और वो थी रेशम। रेशम? रेशम? कौन मैं? हाँ तुम। इसीलिए आदमी ऐसी गंदी गंदी हरकतें कर रहा था। क्यों? सही कहा ना मिस्टर के सिंह? सर आप भी? नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ। हाँ शीतल ये भी ऐसा ही है। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर किसी पे भरोसा मत करना, सब ऐसे ही है। हम पागल हो जाएंगे। अरे पागल तो मैं हो जाऊंगी तुम लोगों के साथ। तुम पागल हो तुम सब। यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो ऐसा मेरे साथ? निकलो यहाँ से, निकलो अभी। एक मिनट मैडम, एक मिनट मैडम, ऐसे कुछ सही नहीं होगा। सच्चाई का बाहर आना जरूरी है और ये तब होगा मैडम जब हम लोग सच बोलेंगे। ओके जानू। जानू? वो जानू, उसे जानू बोलना बंद करो। अरे मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि ये औरत इस आदमी को जानू क्यों कह रही है? अल जज़ीरा की वजह से। अरे अल जायमर यार, बस अम्मा से बता दूंगा। पप्पू तुम चुप रहो, चिल्लाना बंद करो। अरे तुम बार बार इस बेचारे को पप्पू पप्पू क्यों कह रहे हो? पप्पू इनके बच्चे का नाम है जो स्कूल गया है ना? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? ये आदमी तो गाय का दूध निकालता है ना? अरे ये कोई दूधिया उधिया नहीं है, ये गे है। बस अब पप्पू सब बोल दूंगा। ठीक है हम दोबारा से बात को शुरू करते हैं और शांति से सारी बात को समझने की कोशिश करते हैं। ओके? हाँ अजय। हाँ सर। तुम्हें बुला रहे हैं? तुम जरा चुप रहोगे? अरे यहाँ दो दो अजय हैं तो मैं क्या करूँ? दो अजय? ये दोनों अजय नहीं है, ये दोनों गे हैं। ये लोग इस बात को छिपाने के लिए ड्रामा कर रहे हैं। ओह माय गॉड। अरे गॉड, ओह माय गॉड, अब तुम्हारी पोल पट्टी खुल गई तो ओह माय गॉड। ये बात नहीं है। पप्पू शांत, क्या शांत, क्या शांत। बस बहुत हो गया तेरे 70-30। अब मैं नहीं, सब कुछ बता दूंगा मैं, बता दूं सब कुछ। अरे क्या बता दूं यार, सब पहले तो बता चुके हैं यार। मेरे भाई ने पूरा रख लिया। अरे क्या पूरे रख लिया यार, बहुत हो गया, अब सब बता दूं यहाँ पे। क्या बता दे यार, बस बहुत हो चुका है, मैंने भी बहुत सहन कर लिया है। तुम दोनों साथ रहते हो? अरे यार ये सब झूठ है, ये दोनों तो आज दूसरी बार मिल रहे हैं। अरे भाई अब तू कुछ बोल, कब तक छुपाएगा बताना सब। अरे मैं क्या बोलूं यार, मेरे पे बताने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचे। अजय बताओ मुझे, तो तुम आज तक हल्द्वानी इस आदमी से मिलने जाते थे? अरे वाह का नाटक है, हमारे पति को हमसे छीन रहे हो। छीना? मैंने? हाँ तुमने। मैंने छीना है? तुम पूरी पागल हो। हम पागल हैं? अरे तुम पागल हो, तुम सबके सब पागल हो। शायद अब किसी और को बोलना चाहिए। अरे तुम तो बोलो ही मत। अबे तुम्हें कुछ पता भी है? अरे मुझे सब पता है, जब से तुम आए हो यहाँ पर सब यार सब गड़बड़ हो गया यार। तो तू अब जाके सब बोल देना। हाँ यार मैंने तेरी बात मान लेनी चाहिए थी। तो अब मान ले, अब जा बता सब कुछ। मेरे झूठ ने आप लोगों को बहुत तकलीफ पहुंचाई है और इस वजह से काफी गलत फहमियां भी हो गई। हाँ। पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ में खड़ा ये आदमी अजय नहीं है और ना ही इसका कोई गायों का फार्म है। इसका नाम पप्पू है और ये मेरा दोस्त है।
मेरे सामने खड़ी हुई ये प्यारी औरत इसकी बीवी नहीं है और ना ही ये खूबसूरत लड़की कोई बहरूपिया। असल में ये दोनों औरतें मेरी बीबियां है। नहीं, ऐसा काहे कह रहे हैं, ऐसा मत कहिए। शोना, इससे अच्छा तो तुम कह देते कि तुम गे हो। मैंने अपने अफेयर को छुपाने के लिए ये सब किया था। मैं दोहरी जिंदगी जी रहा था, एक बाजपुर में और एक हल्द्वानी में। इसका मतलब ये है कि वो जो पप्पू स्कूल गया है वो बात भी गलत है। तुम दोनों गे फिर से झूठ बोल रहे हो। तुम दोनों और वो भूपी बदमाश और वो बॉबी, वो भी सब के सब गे हो। मुझे तो तुम भी गे ही लगते हो। जानू, ये सब का है, क्या सच्चाई है, कुछ तो बताइए। उसे जानू बोलना बंद करो। अरे वो हमरे जानू है। वो मेरे पति है। अरे आप ये कहना चाहते हैं कि आपने चुड़ैलिया से शादी कर ली है? चुड़ैल कौन? मैं? आज हम लोग अपनी शादी के पेपर्स कोर्ट में देने वाले थे, लेकिन उससे पहले तुम लोग आ गए और ये सब हो गया। आखिर तुम होती कौन हो? अरे हम कौन होते हैं, हम इनकी पत्नी हैं पिछले 3 साल से, समझी? और तुम्हारे लोगों जैसे गे नहीं हम। हाँ नहीं तो सीधी शादी हम। अच्छे कुछ बोलो, आखिर सच्चाई क्या है? कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन गे है, कौन क्या है, बोलो अजय प्लीज। अरे कुछ तो बता दीजिए ना, काहे परेशान कर रहे हैं। बता। इधर हाथ दो। ये शीतल है और ये रिया है, और मैं इन दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। हम सब समझ गए हैं। हम अजय से अकेले में बात करना चाहते हैं। हाँ हम बात करना चाहते हैं। तुम लोग समझ गए? अकेले में बात करना चाहते हो? अब समझ गए तो कहीं भी चलो। अच्छा हुआ बेटा, हमें तो एक ना मिली और तुम दो दो लिए जा रहे हो। बहुत अच्छा, ऐसा ही पीतो। अरे छोड़ दो दे। आज तो दिख गए, आज के बाद मत दिखना वरना गोली मार दूंगा। बहुत परेशान करके रखा था मुझे। तो कहता हूँ अभी मार दो। चलो। अरे बाप रे बाप, कितना मार रहा है तुझको? तू तो दोस्त है रे। उठ जा मेरे दोस्त, क्या मार रहा है तुझको? बाप रे, इतना बंदर बना दिया। अरे उठ। कितनी पापी हो यार। डायन लोग हैं, डायन तुझे कितना मारा है रे, दिखा दिखा। अरे बाप रे, इसकी आंख की टिप्पी सुझा डाली। बाप रे, ये टिक्की है यार,
मुझसे बोले कि बात से बात करनी है और यहाँ मेरा ये हाल बिगड़ गया यार। अब दिखा, अब तो चिंपैंजी लग रहा है, कहीं मेरे को डंड लग जाए। बाप रे बाप, तू अब कसम खा, तू कसम खा कि आज की बात तू लड़की नहीं छेड़ेगा। क्या खाऊं यार? अरे कसम, अरे कोई खाने जाए प्यार सो यार मुझे यार। मतलब तू नहीं सुधरेगा अभी? अरे तेरे साथ लेके मैं भी बिगड़ जाऊंगा, मैं भी जा रहा हूँ। अरे कहाँ जा रहा है यार? अरे अरे बिना कहीं कब नहीं सुधरेगा ये? अरे लिखा चालू हो गया मेरा यार। खाब लुट गया यार, जहाँ से चले थे वहीं आ गए। हाँ सब तेरी वजह से हुआ है, मैं लड़की छेड़ता ना ऐसा होता। अबे अब हमने कसम खा ली, क्या लड़की की तरफ ना आँख उठा के नहीं देखेंगे। पक्का? हाँ चल फिर ठीक है। वैसे वो आजकल कहाँ है दोनों तेरी? कौन? तेरी वो हॉट वाली और तेरी वो गवारन। रिया तो बाहर चली गई है और जो शीतल थी वो हमारा बच्चा लेके भाग गई। चमत कर तो जा रहा है, तेरी वजह से तो मैं मेरा सारा पैसा डूबा और तू भागेगा।
संस्कार बर्बाद।